हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल कैसे बनाते हैं, इसके लिए मैंने आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताई थी। ओके, ठीक है, और उससे आपने डिज़ाइन करके देखा होगा, घर पे ज़रूर किया होगा। अब आगे हम देखेंगे ब्यूटी ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल अगर बिना एलिमेंट का हो तो कैसे दिखेगा, है ना? कैसा दिखेगा? बिल्कुल उजाला हुआ। तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट अगर हो तो बहुत अच्छा दिखाई देता है, यानी ब्यूटी ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल की ब्यूटी क्या है? एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स को हम पीरियोडिक टेबल में भरते हैं, लेकिन कैसे भरोगे? ठीक है, तो देखो, एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में फिलअप करने के पहले कुछ जानकारी हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि देखो, एलिमेंट्स को हम जब फिलअप करेंगे, कुछ एलिमेंट्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि हाइड्रोजन है, उसके बाद हेलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ओके, इसके बाद और भी आगे चल सकते हैं हम, क्या है इसके बाद? सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन और ऑर्गन। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, और इन एलिमेंट्स के नाम भी शॉर्ट ट्रिक से हम ध्यान में रख सकते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में पीरियोडिक टेबल को इंफ्रास्ट्रक्चरली ड्रॉ करेंगे और उनमें इन एलिमेंट्स को फिलअप भी करेंगे। लेकिन फिलअप करने के लिए क्या बेसिक ज़रूरतें हमें चाहिए, क्या बेसिक बातें हमारे पास होनी चाहिए, वो हम आज देखेंगे। ठीक है, फिर पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करके उनमें हम इन एलिमेंट्स को भरेंगे भी। लेकिन आज हमें कुछ इनसे रिलेटेड एक जानकारी देखना है कि क्या जरूरी बातें हैं जिससे हम इनको पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल फिक्स पोजीशन से वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एलिमेंट है, इनको आप शॉर्टली ध्यान भी रख सकते हो। कैसे? शॉर्ट ट्रिक से, हाई, हीना, लिसन, बेस्ट, बैट्समैन, चंदू, नॉट आउट, फील्डिंग नीडेड। और मैंने ये बिल्कुल ऑर्डरली लिए हुए हैं, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में है उसी ऑर्डर से लिए हुए हैं। हाई, हीना, लिसन, बेस्ट, बैट्समैन, चंदू, नॉट आउट, फील्डिंग नीडेड। ठीक है, तो उसके अलावा ये भी, ना मांगे आलू का सिलका, पनीर का सूप, करेले का अचार। ओके, क्या बोला? ना मांगे आलू का सिलका, पनीर का सूप, करेले का अचार। ये बिल्कुल ऑर्डरली रखे हैं किसमें? पीरियोडिक टेबल में। और आप जानते हो कि टेंथ में पीरियोडिक टेबल मेंडेलियव ने जो बनाया था वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनाया था। ओके, तो इनके एटॉमिक नंबर ऑर्डरली हम कैसे लिख सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, लाइक दिस। इन सभी को हम इस तरीके से ऑर्डरली एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, उसके बाद 16, 17 और 18, मैंने ऑर्डरली लिया हुआ है। शॉर्टली उसको हम कैसे ध्यान में रख सकते हैं? शॉर्ट रीड से वो भी। अब देखो, इन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में हम कहाँ रखेंगे, इनका प्लेसमेंट कहाँ होगा या कहाँ रखा गया होगा, मेंडेलियव ने इनको कहाँ रखा? ठीक है, अब उसके बारे में हम देखेंगे। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने आपको बोला था कि एलिमेंट्स एक्चुअली 4 ब्लॉक में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो एस ब्लॉक में हैं, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। तो एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू दिस 4 टाइप्स, सो एस ब्लॉक। उसके बाद सेकंड जो है, दीज आर द पी ब्लॉक एलिमेंट। कुछ एलिमेंट जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, और कुछ एलिमेंट्स जो है वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट। सो एलिमेंट्स आर ब्लॉक वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। इस तरीके से ब्लॉक में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, इन एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स यस ब्लॉक के हो सकते हैं, कुछ पी के हो सकते हैं, कुछ डी के हो सकते हैं। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास पीरियोडिक टेबल में इनको तो रखना है, लेकिन कैसे फाइंड आउट कर लेंगे कि यहाँ से पर्टिकुलर एलिमेंट एस ब्लॉक का है या पी ब्लॉक का है या डी ब्लॉक का है? ठीक है, तो कैसे? देखो, सबसे पहले एस ब्लॉक की बात करते हैं। ओके, ये यस क्या है? ये यस ऑर्बिटल है, और यस ऑर्बिटल में हम क्या भरते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या देखेंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं हम, ठीक है। देखो सबसे पहले तो होता है मेन शेल। सबसे पहले क्या होता है, मेन शेल। मेन शेल होती है चार, के एल एम एन, इसके अलावा भी, लेकिन बेसिकली आप चार ध्यान में रखो। मेन शेल कौन सी होती है, के एल एम एन, लाइक दिस। इट्स अ फर्स्ट शेल, इट्स अ सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल, कितने हो गए, चार। अब इसके अलावा मेन शेल में कुछ सब शेल भी होती हैं, ठीक है। सब शेल या इन्हीं को हम आगे ऑर्बिट कहने वाले हैं, ठीक है। सब शेल कौन सी, पहली जो मेन शेल होती है इसकी एक ही सब शेल होती है, दैट्स अ यस, ठीक है। दूसरी जो मेन शेल है इनकी दो सब शेल होती हैं, यस और पी। और तीसरी जो है इनकी कितनी सब शेल होगी, डेफिनेटली एक की एक है, दो की दो, तीन की तीन सब शेल है, एस पी डी। और चौथे मेन शेल की चार सब शेल होती है, एस पी डी एंड एफ। समझ में आया, मेन शेल चार और ये होती है सब शेल। हम क्या देख रहे भैया, हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अच्छे से पढ़ेंगे तब इनका हम वो पोजीशंस पीरियोडिक टेबल में अच्छे से पढ़ पाएंगे, और जिनसे हमें इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी पता लगेगी, ताकि उन्हीं प्रॉपर्टी से हम इन एलिमेंट से आगे कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, ओके। इसीलिए बेटा बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है, आगे की बातें क्लियर होने के लिए बेसिक नॉलेज जरूरी है। तो एलिमेंट को हम पढ़ रहे हैं तो एलिमेंट को भी थोड़ा डिटेल ही पढ़ेंगे, जिससे हम आगे कंपाउंड को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ओके। चलो मेन शेल हो गया, सब शेल हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, यस सब शेल में मैक्सिमम हम टू इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं, इन सब शेल्स में। तो यस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, दो। पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, छः। डी सबशेल में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं मैक्सिममली। और यफ सबशेल में हम 14 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिटल। इसको ऑर्बिटल भी कह सकते हो, कह सकते हो सबशेल भी कह सकते हो, ठीक है। तो इनमें हम ये इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हैं, ओके। अब मैं इलेक्ट्रॉन्स यस, अब यस कौन सा, कोई भी, जैसे कि ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट मेन शेल की सब शेल, इनको हम कहेंगे 1s, 1 है तो 1। ये सेकंड शेल के दो सब शेल है, इनको नंबर देंगे 2, 2। ये थर्ड शेल की तीन सब शेल है, नंबर देंगे 3, 3, 3। तो यहां पर क्या देंगे आप, 4, 4, 4, 4 हो गया। अब यस कोई भी हो, कोई भी हो, 1s हो चाहे 2s हो चाहे 3s हो या 4s हो, यस है तो भैया दो ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ओके। पी चाहे कोई भी हो, 2p हो, 3p हो या 4p हो, कोई भी हो, लेकिन पी में भाई इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरना कितना है, 6 ही भर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से डी में भी और एफ में भी। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आया अच्छे से। चलो अब इसका एक एग्जाम्पल हम कोई भी देख लेते हैं, कोई भी। जैसे कि मान लो कि मैग्नीशियम मैं ले रहा हूं, ओके। मैंने ऑर्डरली इनके एटॉमिक नंबर तो ले लिए हैं। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, मैंने लिया 12, और आपने 10th में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल पढ़ा है। डेफिनेटली जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 282, ऐसे लिखते हैं। ये तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, लेकिन हमें थोड़ा अभी आगे बढ़ना है। 10th से आप आगे जाओगे 11th, 12th, ओके। तो हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, किसके तरह, शेल के तरह, सब शेल के तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है, ओके। चलो बेटा देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन्स को हम शेल वाइज कैसे भरेंगे, उसके लिए एक स्ट्रक्चर ध्यान में रखना, वो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है घर पे। पहला 1s, इसके नीचे दो हैं 2s, 2p, उसके बाद हैं 3s, 3p, 3d, और उसके बाद हैं 4s, 4p, 4d, 4f। इसके नीचे भी आप ऐसे ही लिख सकते हो 5s, 5p, 5d, 5f, लाइक दिस, ओके। अब देखो इलेक्ट्रॉन इसमें हम कैसे भरेंगे, ठीक है।
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम कैसे फिलअप करेंगे, देखो 1s के बाद कहाँ जाएंगे 2s में, तो 1s के बाद हम आएंगे 2s पे, 2s से कहाँ जाएंगे 2p में, 2s से 2p, उसके बाद 3s से 3p, उसके बाद 4s, 4s से 3d, 4p से 4d, लाइक दिस। ओके, इस तरीके से हमें चलना है। अब इसको ध्यान दो, कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, 12 हैं, 282 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। एक ही काम करना है शेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन। चलो पहली शेल 1s, दूसरी सब शेल में दो है 2s और 2p, और तीसरी सब शेल से 3s, 3p, 3d, इतनी की हमें ज़रूरत नहीं है। देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, तो कहाँ भरेंगे दो इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में कौन सी है 1s, और s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, दो भर सकते हो, बराबर, तो पहले दो इलेक्ट्रॉन इसमें भर दो, इसके सर पे दिखाना 1s2। चलो दो इलेक्ट्रॉन आपने पहले सबशेल में भर दिए, अब कितने आपके पास, आठ, इन आठ इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ भरना है, 2s में और 2p में, ठीक है, क्या है यस, कोई भी हो दो ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो इन आठ में से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देंगे। अब बचे कितने, आठ में से दो तो चले गए, बचे कितने भाई, छः भरोगे 2p में, क्यों, क्योंकि p में छः इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ओके, अब कितने बचे आपके पास, दो इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ये जाएंगे नेक्स्ट शेल की तरफ, थर्ड शेल की तरफ, और इस थर्ड शेल में 3s में बचे हुए दो इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देंगे, क्योंकि s में दो इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इनकी जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो। समझ में आया, ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका बनाया मैंने, मैग्नीशियम का। ऐसे ही आप घर पे इन बाकी एलिमेंट्स के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इनके सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को इसी तरह से बनाएंगे, और फिर वो उस ब्लॉक में क्यों आते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनकी वैलेंसीज क्या होती हैं, वो कौन से कंपाउंड्स बना सकते हैं, किससे जॉइंट हो सकते हैं वो एलिमेंट, ये सब बातों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम पीरियोडिक टेबल के साथ उसमें इन एलिमेंट्स को फिलअप करेंगे, भरेंगे। ओके, तब तक बेटा इसको अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है, इसके पहला वाला पीरियोडिक टेबल का भी वीडियो जो मैंने बनाया भेजा है वो वीडियो भी आपको देखना है, और इसको भी अच्छे से देखना है, ताकि नेक्स्ट क्लास आप अच्छे से समझ पाओगे। ओके, थैंक यू।